नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ में बनाकर आप लोगों को बता रहे हैं। तो अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव याद करोगे उतना नंबर आपका रखा हुआ है। तो अच्छे से रिजल्ट बनाना और पूरा ऑब्जेक्टिव सही करके आना हिंदी में, ठीक है। मैं पूरा इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से याद करो, ठीक है। देखो, पहला आपका क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति है, यानी कि यह कथन किसका है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। आप देखना ऑप्शन नंबर डी में होगा कालिदास, तो आप लोग कालिदास पर टिक लगा देना, क्योंकि कालिदास ने ही कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। यह कालिदास ने ही कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी डैश द डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है, यानी कि माने तो लक्ष्मी किस कहानी की पात्र है? तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी, देखिए आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास में ही लक्ष्मी का वर्णन किया गया है और लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की पात्रा है। और एक और बात याद रखना है, लक्ष्मी का जो पति था उसका नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता था, ये भी याद रखना है। उसके पति कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मण उसके पति का नाम था और उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन आपका है, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, तीन नंबर प्रश्न की गुणवाचक विशेषण। देखो गुणवाचक विशेषण आपको पहचानना है। तो देखो गुण का मतलब हुआ कि किस व्यक्ति में अच्छा सा गुण होता है, किस व्यक्ति के पास अच्छा संस्कार होता है, तो हम लोग ऐसे पहचानते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर डी को देखो, अच्छा, यानी कि हम किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं वो अच्छा व्यक्ति है, तो हम कहेंगे उसमें गुण अच्छा है। तो ऐसे आप लोग पहचानिएगा, तो आप गुणवाचक विशेषण पहचान लीजिएगा। ऐसे में विशेषण सर्वनाम संज्ञा में कुछ नहीं है, थोड़ा सा सर्वनाम आपको पढ़ना है, बाकी सब तो एकदम ईजी है। मैं आपको सब बता दूंगा, ऑलरेडी मैं विशेषण और संज्ञा बता चुका हूं और बाकी जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन आता है चार नंबर। देखिए जी, चार नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें आपको पहचानना है स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है। एक्चुअली में आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो जिसको पता था वो बता दिए कि संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि स्वर संधि कौन उदाहरण नहीं है, तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो दे ना, डी वाघपति, ये आपके स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा होगा डी नंबर वाला, ठीक है। देखो बच्चा सब, अगला क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, यानी कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को देखो, अबिन्यो आपका आंसर होगा। बहुत लड़के क्या करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में कहीं इनमें सभी नहीं दिया है ना, या फिर कहीं देखते हैं कि ए और बी नहीं दिया है, तो सोचते हैं कि ज़्यादातर यही आंसर होगा और गलती के लगा देते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि वो क्वेश्चन गलती रहता है। तो हम लोग का आंसर होगा अबिन्यो। आप लोग समझदार हो, आप लोग अच्छे से काम लेना, ठीक है, समझदारी से काम लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है सात नंबर क्वेश्चन है कि जित जित में निरखत हूँ पाठ की विद्या है। जैसे जित जित में निरखत हूँ, यह किस पाठ मतलब कि यह जो पाठ है वो क्या है, किस विद्या की है, कहानी है या फिर निबंध है या फिर और कुछ हो सकता है। तो जित जित में निरखत हूँ क्या हो सकता है जी, साक्षात्कार हो सकता है क्या, तो साक्षात्कार ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, निबंध कहानी नहीं होगा जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला हमारा प्रश्न अधर्म, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है, आपको क्या बताना है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। देखो ध्यान से, हम किस कोई भी शब्द दिया रहता है, कोई भी अगर शब्द दिया रहता है, तो सबसे पहले उसको हम लोग विग्रह कहते हैं, जैसे कि विग्रह करते हैं, जैसे अधर्म है तो मैं इसको लिखता हूँ अ प्लस धर्म, मैं क्या लिखता हूँ अ प्लस धर्म लिखता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो हमारा ये पहला वाला होता है ये हमारा उपसर्ग होता है, और जो हमारा दूसरा होता है ये हमारा प्रत्यय होता है। तो अधर्म में जो अ है वो हमारा उपसर्ग का काम करेगा, जो धर्म में है वो हमारा किसका काम करेगा, तो प्रत्यय का काम करेगा। तो देखो दो यहाँ पर, एक अधर्म और एक अ और एक धर्म मिलकर अधर्म का निर्माण कर दिया, ठीक है, यानी कि नया शब्द बन गया। तो जो हमारा पहला वाला होता है अ, यही हमारा उपसर्ग होता है, क्या होता है, उपसर्ग होता है, यानी कि आंसर होगा ए नंबर, ये तो आप लोग समझ गए। और जो आपका लास्ट वाला है धर्म, वो क्या होगा, तो आपका होगा पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जी, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आठ में पूछी दिया आपसे कि आप लोग बताओ कि लिखाई में कौन सा पढ़ते हैं, लिखाई में कौन सा पढ़ते हैं, अब लिखाई कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, आप ऐसे लिखो,
लिख, इसका विग्रह करो तो लिख प्लस आई, लिख प्लस अगर आप आई कर देंगे, आई आ मतलब कि आई, तो क्या बन जाएगा, लिखाई बन जाएगा। इसी को जब आप जोड़िएगा तो लिखाई बन जाएगा। तो लिख तो आपको यहाँ पर उपसर्ग मिलेगा, बट यहाँ पर उपसर्ग थोड़ी ना पूछा है, प्रत्यय पूछा है। ध्यान से देखो, प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय लास्ट वाला होगा आई, और आई कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया है। आई खाई मत टिक लगा देना, बहुत लोग आई की जगह खाई भी टिक लगा देते हैं, वो गलती से हो जाता है, लेकिन ऐसा गलती आप लोग ना करिएगा। इसलिए तो मैं पहले ही आपको सतर्क करा देता हूँ और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि सारे लड़कों को यह वीडियो पसंद आएगा, हमको पता है। और खूब अच्छा अच्छा कमेंट करना, आपको पता ही है, जितना अच्छा अच्छा कमेंट करेंगे उतना हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। देखो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना आप लोगों को मेहनत कराता हूँ। मैं बहुत ही मेहनत कराऊँगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना ऑलरेडी, आपके लिए तो सब कुछ मैं जुगाड़ कर लिया हूँ ऑलरेडी, आपको पता ही होगा जो हमारे ऑनलाइन क्लास करते होंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, रंगपा था, रंगपा क्या था। देखो जी, रंगपा एक जुवाड़ी था, रंगपा क्या था, रंगपा जुवाड़ी था, वो गांव का मतलब कि गांव में एकदम घूम घूम कर मतलब कि लफंगा जैसे बदमाशी ना करना, बदमाशी करना और इधर उधर घूम घाम कर जुआ खेलना, ये सब उसी का काम था रंगपा का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रंगपा एक प्रकार का जुवाड़ी था। ऑप्शन में अगर दिखे कि जुवाड़ी के अलावा जैसे कि बदमाश, लफंगा और ऑप्शन नंबर डी में रहे कि इनमें सभी, तो वहाँ पर आप लोग टिक लगाइएगा इनमें सभी, क्योंकि उसका जो नेचर था, गुण था, वो अच्छा नहीं था, वो बहुत ही बदमाश खराब किस्म का व्यक्ति था रंगपा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन शुद्ध वाक्य है। देखो शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस यानी कि आपको उस वाक्य को पहचानना पड़ेगा, उस वाक्य को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि दूध, जैसे क्या है शुद्ध वाक्य, तो आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ी खबर, नहीं ताज़ी नहीं बल्कि बोलते हैं हम लोग आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा बोलते हैं ना, तो यहाँ पर ताज़ी है, तो कहीं ना कहीं हम बीच में पकड़ लिए कि हमारा कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को गलत काट देंगे, क्योंकि आज की ताज़ी खबर नहीं होता है, आज की ताज़ा खबर ऐसे हम लोग बोलते हैं, ताज़ा बोलते हैं, ताज़ी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखो, दाल अच्छा है, नहीं दाल अच्छी है ऐसे होता है, हवा बहता है, नहीं हवा बहती है स्त्रीलिंग में जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए, रोटी ताज़ी है, ये हमारा सही होगा, क्यों, क्योंकि रोटी ताज़ा है ऐसा थोड़ी ना हम बोलते हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। अगर बोलोगे कि रोटी ताज़ा है तो वो गलत हो जाएगा, आप मतलब कि समझोगे कि नहीं रोटी ताज़ा है, ये तो गलत शब्द है ना, रोटी ताज़ी है, हाँ ये बढ़िया शब्द है, वेरी गुड, ये आपका अच्छा शब्द है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बी नंबर वाला बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, लेखा के घर में मछली कौन खाता था। अब आपको बताना है कि लेखा के घर में मछली कौन खाता था। ऑप्शन दिया लेखक, पिता, माँ, बहन, यानी कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। देखो इसका आंसर बहुत इजी है, मैंने आपको लाइव क्लास में मैं आपको बताया था। और एक और बात याद रखना, इसका आंसर आप लोग थोड़ा बताओ हमको कि इसका आंसर क्या होगा, मैं पूरा हिंट कर देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे कि सर जी इसका आंसर क्या होगा। मछली जो है ना, मछली पार्ट, उसी पार्ट का यह क्वेश्चन, आपको पता है कि उसमें संतु था और भग्गू था, संतु मछली से बहुत प्यार करता था, आपको मतलब कि वो चैप्टर बहुत बढ़िया से हम आपको बताए थे, ठीक है। लेकिन उस पर फिर से उस चैप्टर को मैं फिर से एक बार ताजी कर दूंगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करो मेरे रहते हुए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कितने लड़के बता सकते हैं कौन खाता था मछली घर में। माँ तो हमको लगता नहीं है कि खाती होगी, अब देखते हैं आपके ऊपर डिपेंड क्या होता है, आपको कहाँ बताना है इसका आंसर, कमेंट करके बताना है। नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग अच्छे नंबर नहीं लाना चाहते। देखो गलत या सही कमेंट जरूर करना, ठीक है, तभी तो मैं रिप्लाई दूंगा, तभी तो मैं देखूंगा कि कितने लड़कों को इसका आंसर पता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, बीच बीच में मैं कहीं एक दो क्वेश्चन छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। यानी कि दोस्तों लेखक ने, ये बहादुर पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर के ऊपर किस चीज़ का आरोप लगाया था, तो चोरी का आरोप लगाया था। किसका आरोप लगाया था, चोरी का, तो क्या चुराने का, तो पैसा चुराने का। देखो चोरी का आरोप लगाया तो वो तो अच्छी बात है, अच्छी नहीं बात है जी, गलत बात है, चोरी का आरोप लगाया तो वो तो ठीक है, लेकिन किस चीज़ का चोरी, क्या वो पैसा चुराया था या फिर गहने या फिर अंगूठी या फिर मोती, तो नहीं पैसे चुराने का। और पूछेगा कितना रुपया, तो आप लोग बताने में एक्सपर्ट हो, 11 रुपया कौ रुपया जी, तो 11 रुपया, एक और एक 11, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न हमारा बनता है 13 नंबर, ये प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांति किसे कहा था, तो उसने कहा था मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर याद है ना, मैंने बताया था ना भारत से प्रकाशी के पाठ के लेखक है और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, या जर्मनी के ही रहने वाले हैं मैक्स मुलर जी, ठीक है याद रखना। देखो आपका आंसर होगा सी नंबर, जो बी के स्थान पर आ गया, बट हम लोग नाम केवल याद रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं देखेंगे, हम नाम देखेंगे क्योंकि एग्जाम में यही आपको ऑप्शन थोड़ी ना देगा, हो सकता है कि मैक्स मुलर सी नंबर में है तो आप डी नंबर में दे दे, तो क्या करिएगा आप सी नंबर पर टिक लगाइएगा, नहीं आपको नाम देखना है ना, नाम देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है जी, देखो जी दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है श्रीनिवास जी, जो पहले ही पाठ है आपके हिंदी वर्णिका का, ठीक है, और इस पाठ के लेखक यही है श्रीनिवास जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वर संधि का उदाहरण, देखो जी स्वर संधि का उदाहरण वधुत्व, देखो कहीं ऑप्शन में दिया होगा वधुत्व, यही स्वर संधि का उदाहरण है। मैं आपको ना एक वीडियो दूंगा, ठीक है 20 मिनट का वीडियो दूंगा, ठीक है दो वीडियो दूंगा, दो दिन एक संधि के बारे में बताकर दूंगा और उसका नोट्स भी आपको परचेस करा दूंगा, और उसके बाद से मैं एक दूंगा सर्वनाम का, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है तो ये मैं दो आपको दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक है चिंता मत करना। तो हमारा आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन ललित निबंध है, यानी कि आपको पहचानना है इसमें से कौन है ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए देखा जाए मछली या कहानी है, तो ये तो आपका निबंध नहीं हो सकता, कहानी होगा। ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके बाद का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका बहादुर भी आपका एक पार्ट है, वो कहानी है। अगला नौबत खाने में इबादत, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा जी सी नंबर वाला, नाखून क्यों बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का ललित निबंध है, इसलिए हम बोलते हैं कि ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, याद रखना भूल मत जाना, कहीं भूलिएगा ना तो देख लीजिएगा, बहुत मार मारेंगे। अगला क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो बिस्मिल्लाह खां क्या है, तो बिस्मिल्लाह खां बिरजू महाराज थोड़ी ना होंगे, बिस्मिल्लाह खां जी होंगे, ठीक है याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, सर्वनाम का भेद, देखो जी सर्वनाम जो होता है ना वो सर्वनाम छः प्रकार के होता है। अब छः प्रकार कौन कौन सा, सबका मैं नाम बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है मैं आपको जरूर दूंगा। जब मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, कहीं ना कहीं लाइक भी कर रहे होंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे, और चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, तभी तो मेरा हर एक वीडियो आपको मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ मिलेगा। आप लोग को धैर्य रखना है, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। तो सर्वनाम का भेद क्या होगा, तो देखो सर्वनाम का इसमें एक ही भेद है, बाकी तीन सर्वनाम का नहीं होगा। देखो ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर है ना, संबंधवाचक, यही आपका सर्वनाम का भेद होता है। बाकी ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे द्रव्यवाचक, वो तो संज्ञा हो जाएगा। सी नंबर में देखेंगे व्यक्तिवाचक, ये भी संज्ञा हो जाएगा। डी नंबर में देखेंगे भाववाचक, ये भी संज्ञा हो जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश में पढ़े होंगे ना कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं, लेकिन बहुत लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे जातिवाचक व्यक्तिवाचक, ये भी हम पढ़ा भी चुके हैं ऑलरेडी, आपको वीडियो पढ़ा होगा, जाकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीन बेटे की माँ है, देखो हिंदी वर्णिका की ये क्वेश्चन है, हिंदी वर्णिका में सीता के तीन बेटे थे, तीन बेटे की माँ सीता ही थी, मंगमा लक्ष्मी पापति नहीं बल्कि सीता तीन बेटों की माँ थी, ठीक है बच्चों आंसर हमारा होगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, सर्वनाम माना जाए तो वह, क्योंकि वह आपका क्या एक सर्वनाम है। अब कैसे वह सर्वनाम आएगा, हम आपको पढ़ाएंगे इतना अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि आप हमारा फैन हो जाइएगा, एकदम कहिएगा सर आई एम बिग फैन, एकदम मेरा फैन बन जाइएगा, वो छत वाला फैन नहीं, ठीक है एकदम बिग फैन। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, ये क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो हमारा होगा जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर बी होगा जनतंत्र का जन्म। इसी पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जिनको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हाँ दिनकर साहब बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा आता है द्वंद समास। देखो द्वंद समास ये कहा रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हमको लगता है कि हो गया। द्वंद अब ऐसे होता है ना, द्वंद ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है द्वंद। तो आपको द्वंद समास बताना है। समास में हम आपको बताया था समास 6 प्रकार के होते हैं, सारे को मैं अच्छे से वर्णन करके बताया था। और यहाँ पर खुशखबरी की बात यह है कि जो मैं आपको समास बताया था उसमें हम आपको समास पहचानने का गजब का ट्रिक बताया था, जिंदगी भर आप नहीं भूल पाइएगा वो ट्रिक। तो देखो द्वंद समास में क्या होता है, द्वंद समास हम लोग पहचानते हैं योजक चिन्ह से। योजक चिन्ह जो माइनस की तरह होता है ना, इसी को हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक, ठीक है, योजक चिन्ह से पहचानते हैं। और साथ में दोस्तों जो आपका योजक चिन्ह होगा वही आपका द्वंद्व समास होगा, और उसको विग्रह करने पर और अगर आ जाए तो पक्का वही आपका द्वंद्व समास होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए ऑप्शन नंबर सी को, तो दिन और रात, दिन और रात के बीच में देखो माइनस का चिन्ह है, वो आपका योजक चिन्ह है, माइनस नहीं है, योजक चिन्ह है, ठीक है। और दिन और रात को विग्रह करिएगा तो क्या होगा, दिन और रात, तो बीच में और भी आ गया और योजक चिन्ह भी आ गया, तो पक्का आपका क्या होगा, द्वंद्व समास यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते रहो ना, केवल बहुत मजा आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा उदाहरण, देखो जी द्रव्यवाचक यानी कि संज्ञा, यानी कि संज्ञा समझते हो ना, द्रव्यवाचक यानी मेटेरियल नाउन, द्रव्य मतलब मेटेरियल, इनकी मेटेरियल कोई भी मेटेरियल ले लो, जैसे तेल, तेल भी एक प्रकार का मेटेरियल है, तो तेल हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे नापा तोला जा सके। तो क्या तेल को हम लोग नाप तोल कर नहीं लेते हैं, या फिर अंदाजे ले लेते हैं, नहीं, हम लोग या तो नाप कर लेते हैं या फिर तोल से लेते हैं, नाप के यानी कि लीटर से नाप के लेते हैं, तो लेते हैं ना आखिर में नाप तोल से, जैसे चावल है वो तोल से लेते हैं तोल के, और तेल है तो तेल लीटर से नाप से लेते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम अभी आपको बोला नापा या तोला, ठीक है, तो दोनों आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा, तेल होगा। अगला हमारा प्रश्न बनता है सरापात की कृति। देखो ये क्वेश्चन कैसे घुमाया है, देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दोहा को किसकी रचना है, तो सरापात जी की है, लेकिन अब क्वेश्चन उल्टा कर दिया है कि सरापात की कृति क्या है, तो दोहा कोश है, तो यार उल्टा दे या फिर सीधा दे, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़कर समझना है ना, तब ना उसका आंसर आपको याद करना है ना जी, बिल्कुल। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विद्या है, 20 की दांत पाठ की विद्या है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, व्यक्ति चित्र होगा, तो ये तो होगा नहीं, कविता, और यहाँ पर अब दिया है सी नंबर में कहानी। तो देखो जी 20 के दांत एक प्रकार का कहानी है, 20 के दांत क्या है, तो 20 के दांत एक प्रकार का कहानी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या आता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या होता है, झूल को कहते हैं, झूल क्या होता है जी, बताने वाले को कहते हैं, यहाँ पर झूल काट दो, पता नहीं क्या है बट कोई बात नहीं, विशेषण की ही विशेषता यहाँ पर समझ रहे हो ना, विशेषण की ही विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं, केवल प्र लगा दो और विशेषण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रविशेषण उसे हम लोग कहेंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे, ठीक है, याद रखना ना जी, बिल्कुल याद रखना। अगला हमारा प्रश्न आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पाठ को लिखा था, तो नाखून की बढ़ते हैं इसी पाठ के वो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ था जी, इनका जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी का ना 1907 ईस्वी में हुआ था, और 1907 ईस्वी में ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी हुआ था, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, पता है ना जी। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर, सेन साहब को कार की कीमत। देखो सेन साहब की जो कार थी, सेन साहब की कार देखे हो नहीं देखे हो, कहानी में पढ़े होंगे ना, पाठ में पढ़े हो, ठीक है, तो सेन साहब की जो कार थी वो 7,500 की थी, 7,500 में कार मिल जाता, बताओ अगर हमको 7,500 में कार मिल जाए तो हम तो 10 को कार खरीद लेंगे, 7,500 में अगर कार मिलेगा 10 को कार खरीदेंगे, BMW खरीदेंगे, फॉर्चूनर नहीं खरीदेंगे, BMW और थार खरीदेंगे, ठीक है। आप लोग क्या खरीदिएगा अगर 7,500 में गाड़ी मिल जाए तो, थार खरीदिएगा या फिर BMW, हमको पता है तुम लोग क्या खरीदोगे, चॉइस हमको पता है तुम लोग का क्या चॉइस है। अगला क्वेश्चन है परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण क्या हो सकता है जी, परिणामवाचक विशेषण, तो देखो परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है, परिणाम का मतलब ऐसे ही समझ लो, जैसे कि कोई चीज़ लो, थोड़ा लो या भी ज़्यादा लो, तो परिणामवाचक वो होगा, जैसे थोड़ा सा दे दो कुछ तो आपका परिणामवाचक हो गया, थोड़ा ज़्यादा दे दो, थोड़ा कम दे दो, थोड़ा सा दो, ये सब आपका परिणामवाचक होगा, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है, सेन साहब की आंखों का तारा है। अरे वाह, सेन साहब की आंखों का तारा कौन हो सकता है खोखा के अलावा? खोखा ही ना था, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, खोखा का पूछता है कि दूसरा नाम क्या होता है। तो एक्चुअली में खोखा का दूसरा नाम क्या होता है? कासू होता है। कॉपी में नोट कर लेना, खोखा का दूसरा नाम कासू होता है। एग्जाम में यही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है, मोटर को कोई खतरा है तो डैश डैश किससे है? अगर मोटर मतलब कि जो कार थी उसकी खतरा, मतलब उस कार की खतरा किससे हो सकती है? खोखा ही ना, क्या होगा? खोखा ही ना होगा शायद, इसका आंसर देखो तो खोखा ही ना होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। देखो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म सबको पता होगा, कब हुआ था? 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1956 ईस्वी में हुआ था। आंसर हमारा बन जाएगा डी नंबर, ठीक है। अरे मृत्यु की नहीं बात कर रहे हैं, जन्म की बात कर रहे हैं। जन्म मृत्यु तो मैंने आपको बता दी 1956 में हुआ था, बट यहाँ पर आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ भी नहीं छोड़ता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप मेरे हो, क्योंकि जब आप लोग मेरे को अपने मानते हो तो मैं आपको पराया क्यों मानूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, नाखून प्रतीक है। देखो नाखून पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। पाशविक वृत्ति का मतलब समझो कि पुरातन जमाने का ये प्रतीक है हमारा, क्योंकि नाखून पुराने जमाने में बहुत काम, मतलब कि काम देने वाला नाखून ये चीज़ था, क्योंकि नाखून से ही हम लोग हर काम करते थे। अब ना, और इस समय ना आपके दुनिया में अनेकों अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, लेकिन पुराने जमाने में, पुरातन प्राचीनतम मतलब कि जमाने में नाखून से ही हम लोग शिकार करते थे, हर काम करते थे। लेकिन देखो मनुष्य भी कम वक्त है, अब नाखून को बार बार काटना चाहता है, यानी कि जिस थाली में वो खाया है उसी थाली को छेद कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना कहावत में। तो देखो हम लोग नाखून से मदद लिए हैं, और नाखून ही पूरा हमारा जीवन को मदद किया था पहले, लेकिन अब देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा धन हो गया, अस्त्र शस्त्र हो गया है, तो हम नाखून को हटाना चाहते हैं। लेकिन नाखून याद रखो आपके शरीर से जिंदगी में कभी नहीं मिटेगा, नाखून कभी मिट ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपका बचपन का निशानी है, और हर व्यक्ति का बचपन का निशानी नहीं मिटता है, ठीक है। आप लोग का भी बचपन का कोई ना कोई निशानी होगा, अब कौन सा निशानी होगा वो आप लोग जानते हो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, हमको पता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद। अब आपको इसमें संज्ञा का भेद पकड़ना है। संज्ञा 6 प्रकार के होते हैं, नहीं संज्ञा नहीं, समास 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से देखो कौन है, देखा जाए हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो ऑप्शन नंबर बी को, यही हमारा संज्ञा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ये आपका संज्ञा है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देखो क्या बनता है, नंदी नागरी होगा इसका आंसर। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि कहा है, तो नंदी नागरी, देवनागरी नहीं ना बल्कि नंदी नागरी बोलना, देवनागरी मत बोलना, नंदी नागरी बोलना, ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन जातिवाचक संज्ञा उदाहरण नहीं है। देखो गाय, नदी, शहर, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, गाय भी है, नदी भी है, शहर भी है, लेकिन विवेकानंद एक अलग से नाम आ गया ना, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न बनता है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। देखो जी बहादुर हमारे देश का नहीं था, हमारे मतलब हमारे भारत देश का नहीं था, वो नेपाल देश का था। बहादुर नेपाल का रहने वाला था, नेपाल भी एक देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं बना है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम। देखो जी बहादुर का पूरा नाम, हर व्यक्ति का दो नाम होता है, जैसे आपका भी दो नाम है मुन्ना, झूठ मत बोलो, आपका दो नाम है। तो बहादुर का दूसरा नाम क्या था, दिल बहादुर उसका नाम, उसका दिल इतना बड़ा था इसलिए उसको दिल बहादुर कहा गया, क्योंकि वो सभी से अच्छे से रहता था, किसी से भेदभाव नहीं करता था, सबको आदर से देखा करता था, सबकी मदद करता था, सबकी आदर करता था, इसलिए उसका नाम पड़ा दिल बहादुर। उसका दिल है बहुत बड़ा है, छोटे देखने में छोटा लेकिन दिल तो बहुत बड़ा है। अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है,
अगला हमारा प्रश्न बनता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था और क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है इबादत का अर्थ। देखो नौबत खाने में इबादत हूँ उसी पार्ट का यह क्वेश्चन है। इबादत का मतलब होता है उपासना, क्या होता है उपासना, इबादत का मतलब होता है उपासना बच्चों, ठीक है याद रखना। अगला हमारा प्रश्न बनता है कविता नहीं है। देखो जी इसमें से ऑप्शन हमारा देखो ए को देखो ना अभिन्न, अभिन्न जो है ना वो कविता नहीं, बाकी स्वदेशी हमारी नींद भारत मत ये सब कविता है, बाकी अभिन्न कविता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा यह उंगति है। अरे वाह भाई मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था गुरु नानक जी के बारे में, काव्य खंड का पदवन गुरु नानक जी वाला मैंने आपको बताया था ना, झूठ मत बोलना। तो गुरु नानक जी होंगे, गुरु नानक जी आपका होगा ना, गुरु नानक जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न बनता है 43 नंबर प्रश्न कहा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। देखो जी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी में दिया निश्चयवाचक। देखो जी उत्तम पुरुष अन्य पुरुष मध्यम पुरुष ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, बट निश्चयवाचक जो है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इसलिए हम कहते हैं डी नंबर वाला आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है। ये क्वेश्चन कहता है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। देखो जी प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या है, मार्क्स के जैसे कार्ल मार्क्स नहीं होता तो मार्क्स के विचारों से, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी को मार्क्स के विचारों से, ठीक है। तो देखो आप लोग बताना एकदम ईमानदारी से कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें का क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आपको लगता होगा कि ये सब क्वेश्चन सर गलत बता रहे हैं या फिर ये सब नहीं आएगा तो ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अच्छे से सारे लोग याद करना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, आप अपने अपने व्हाट्सअप ग्रुप में एक एक शेयर कर दो वीडियो को, सारे लोग शेयर कर देना। इसमें बहुत लड़के हैं जो मेरी हर एक बात मानते हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा जो मेरी हर एक बात मानता है या फिर हर वीडियो को लाइक करता है कमेंट करता है या फिर मतलब कि प्यार देता है, ठीक है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा बने मैं कामना करूँगा, ठीक है। बस आप लोग एग्ज़ाम के बाद एक बार मेरे को याद कर लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ सबका 450, 400, 430 ऐसे ही करके नंबर आएगा। बट अब ये से थोड़ा ऐसे ही पढ़ाई बरकरार रखना जैसे अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। चलो जी थैंक यू सो मच, लव यू टू।